तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आप लोग ट्रेन का लोकेशन देखना चाह रहे हो तो आप लोग कैसे लोकेशन देख सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ही बताने वाला हूँ कि आप लोग ट्रेन एप्लीकेशन कैसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जो बगल में बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाला नया नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम आते हैं ट्रेन से रिलेटेड, तो आपको लोकेशन एक्यूरेट लोकेशन और आप लोग जो भी एरर आएंगे वो भी आपको बताएंगे कि यहाँ पे कैंसिल है या फिर रद्द है या फिर कितने घंटे से ये ट्रेन लेट है। ठीक है, तो चलेंगे फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, इसको मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज करने के बाद आपको एक्यूरेट जानकारी दूंगा, 100% आपको नॉलेजफुल लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है माई ट्रेन। ठीक है, क्या करना है, माई ट्रेन एप्लीकेशन है, माई ट्रेन, तो माई ट्रेन के नाम से आप लोग एप्लीकेशन मिल जाएगी। एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, नया है, नए बिगनर हो, आप लोग इसी तरीके से सीख जाओ। इसके बाद इसको प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करेंगे, इसको इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाती है और मेरी डाउनलोड एप्लीकेशन हो जाती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको मैं ओपन करके दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके दिखाएंगे कि अब क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। कुछ नहीं है, ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, आप लोग इसी तरीके से आप लोग सीख जाओ। थोड़ा सा वेट करेंगे, सस्पेंस होना अगर इस वीडियो को देखना होगा। अब आपको क्या करना है, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, देन ओपन करने के बाद जैसे कि देख सकते हैं, मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद जो भी स्टेप होंगे आपको एग्री करना है। यहाँ पे बोलता है अलाउ करना है अपनी GPS सिस्टम को, अलाउ करना है यानी कि लोकेशन को अलाउ करना है। यहाँ पे बोलता है आप लोग कौन सी लैंग्वेज चूज़ करना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैं इंग्लिश को ही रहने देता हूँ, इसका यहाँ पे सबमिट करता हूँ। ठीक है, सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो कई सारे ऑप्शन देखने मिलते हैं यहाँ पे, फ्रॉम स्टेशन और टू स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे और नीचे आ रहा है फाइंड ट्रेन। ठीक है, और यहाँ पे देखने मिलता है ट्रेन नंबर, आपको पता होता है ट्रेन नंबर भी डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखने को मिलता है स्टेशन प्लेटफॉर्म बोर्ड। यहाँ पे इससे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टेशन बोर्ड डालेंगे, नंबर डालेंगे, तो यहाँ पे स्टेशन बोर्ड का नंबर यहाँ पे उसे भी आप लोग ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नंबर भी से भी ट्रैक कर सकते हो ना, आपके इन दोनों के पास आपका कुछ भी नहीं है, नहीं ट्रेन नंबर है ना ही आपको स्टेशन पे डिपार्टमेंट का कोई भी आपका बोर्ड है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, यहाँ पे देखने को मिलता है आपको फ्रॉम स्टेशन पर क्लिक करेंगे कहाँ जाना चाह रहे हो, कहाँ से कहाँ तक जाना चाह रहे हो, कि अभी आप प्रेजेंट पे कहाँ हो। तो मैं यहाँ पे सुखावा डाल देता हूँ, सुखी हवा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, सिखावा डालेंगे और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, मैं सिखावा डाल देता हूँ, हाँ जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने सिक्योर डाला। सिक्योर डालने के बाद यहाँ पे बोलता है टूल स्टेशन कहाँ तक जाना चाहता हूँ, मैं ओल्ड दिल्ली डाल दिया। ओल्ड दिल्ली से के बाद आपको यहाँ पे फाइन ट्रेन पे क्लिक करना है। फाइन ट्रेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कई सारी ट्रेन आती हैं जो दिल्ली को आपको भेजेंगी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे नई दिल्ली के लिए जाएंगे और यहाँ पे देख मिलता है ऊपर पुरानी दिल्ली और नीचे देख मिलता है नई दिल्ली। नई दिल्ली के लिए कौन सी जाएगी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे गोमती एक्सप्रेस है, तो यहाँ पे देखने मिलता है, यहाँ पे फिर बोलता है रेड दिखा रहा है, रेड तो यहाँ पे बोलता है कि आप लोग 3 नंबर प्लेटफॉर्म में मिलेगी, लेकिन यहाँ पे 10:39 में मिलेगी, यहाँ पे बोलता है ये लेट चलेगी। ठीक है, लेट चलेगी, रेड देखने मिलता है, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे रेड दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे अभी यहाँ पे लेट चलने वाली है, तो आपको थोड़ा सा सस्पेंस पर रखना होगा, इसको वे करेंगे। अब आपको क्या करना है, कहाँ से जाना है, यहाँ पे भी ये वाली भी रेड रेड दिखा रही है, तो ये भी लेट चलेगी। यहाँ पे बोलता है 3:35 पे एम पे चलेगी। ठीक है, यहाँ पे नाइट पे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखने को मिलता है कालिंदी एक्सप्रेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे कालिंदी एक्सप्रेस अभी कहाँ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऊपर वाला रेड दिखा, दिस ट्रेन इज कैंसिल्ड, बोलता है बिटवीन, बोलता है यहाँ पे ये ट्रेन है कैंसिल हो जाती है किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आएगी तो, ये कैंसिल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे अभी क्या होता है, ट्रेन का सिग्नल नहीं मिलता अच्छे से, तो आप कैंसिल दिखाता रहता है, तो आपको बार बार यहाँ पे देखना है, अपडेट देखना है अपडेट होता है या नहीं, है कि कन्फर्म पे कैंट तक जाएगी ये ट्रेन, तो अपडेट देखना होगा। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस बनाकर रखना है, तो ये ट्रेन चलेगी लेकिन अपडेट होगा। ठीक है, अपडेट होने के बाद फ्रेंड्स आपको कन्फर्म तक भेजेगी, इसके बाद यहाँ पे बैक करेंगे। बैक करने के बाद अब आपको नीचे वाला यहाँ पे देख मिलता है जम्मू तवी एक्सप्रेस पे भी आपको चेकआउट करना है, कई सारी ट्रेन जा रही है, तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी देखने को मिलता है, अब आपको देखने को मिलता है, मैं दिखा देता हूँ एक और काम आपको, जैसे कि ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र मेल है और आपको देख सकते हो इसकी आवाज़ से यहाँ पे निकल चुकी है, टुंडला मेरी यहाँ पे खड़ी हुई है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, इसके बाद नीचे स्क्वाड डाउन करेंगे, यहाँ पे आप लोग ओल्ड दिल्ली तक ये जाएगी। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे कहाँ से बनेगी, तो मैं आपको यह भी बता देता हूँ, जैसे सपोज गोमती में सिलेक्ट किया, गोमती कहाँ से बनेगी, कहाँ से बन रही है, तो यहाँ पे लखनऊ से गोमती स्टार्ट है, यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको यह समझना चाहिए कि ट्रेन वहाँ से ही बन रही है, तो वहाँ से आप लोग बैठेंगे तो सीट आपको इजी तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ किसी से यहाँ से बैठोगे तो आपको सीट नहीं मिलेगी, आपको यहाँ से बैठोगे स्टार्ट होती है, जहाँ से भी ट्रेन स्टार्ट होती है तो आप लोग वहाँ से बैठोगे तो आपको सीट प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको सीट पे स्लीपर करना है या फिर आपने स्ली बुक करना है सीट को, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया कि आप लोग किस तरीके से बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो के नीचे में वो वीडियो प्रोवाइड किया, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से बता दिया, अगर आपको ट्रेन में सफर कर रहे हो तो आपको GPS सिस्टम है, तो GPS सिस्टम को इस तरीके से ऑन करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, इसको ऑन करेंगे, GPS सिस्टम को ऑन करने के बाद आपकी ट्रेन भी पता चल जाएगी कि आपकी ट्रेन कितनी फास्ट चल रही है, कितनी स्लो चल रही है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे देखने को मिलता है डेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कब आप लोग यहाँ पे कभी चेक करना चाह रहे हो, सपोज मानो मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे टुडे पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितनी भी टुडे को जाने वाली होंगी, टुडे के दिन जाने वाली ट्रेन सारी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है सो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग टाइम देखना है कौन सी ट्रेन फर्स्ट स्लीपर एसी किसमें जाना चाह रहे हो। ठीक है, आप लोग हाई क्लास में या फिर लोअर क्लास में जाना चाह रहे हो, किसमें जाना चाह रहे हो, वो सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद सिलेक्ट करने का यहाँ पे वो भी ट्रेन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको सब सारी जानकारी दे दी है, रेड का मतलब होता है कुछ लेट चल रही है। ठीक है, इसके बाद आप लोग ब्रह्मपुत्र है, इसको भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी अभी बोलता है ये कैंसिल दिखा रहा है। ठीक है, तो ये कैंसिल दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो
कोहरा की वजह से भी यहाँ पे कुछ ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं, तो वो आपको बार बार यहाँ पे अपडेट करके चेकआउट करना होगा, ठीक है। बैकर के नेट ओपन रख के यहाँ पे चेकआउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर समय का अपडेट यहाँ पे बदलता रहता है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ ट्रेन यहाँ पे चल रही है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे देख सकते हो कुछ यहाँ से चलकर यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे चलने के बाद यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ट्रेन चल रही है, और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, इसको रिफ्रेश करोगे, जैसे कि आप लोग एक बार रिफ्रेश करोगे तो ट्रेन यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे चल रही है, चलते चलते यहाँ पे देखने को मिलता है दादरी यहाँ पे पहुँचने वाली है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके नीचे आओगे तो आप कुछ और प्लेटफॉर्म पे कई सारे प्लेटफॉर्म होंगे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फतेहपुर फतेहाबाद कई सारी ट्रेन आती हैं, इटावा जंक्शन यहाँ पे कई, सकाबाद फिरोजाबाद यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ भी आप लोग जाना चाह रहे हैं वहाँ पे जा सकते हो, जैसे कि आप लोग देख पा रहे, ठीक है। यहाँ पे फतेहपुर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे देखने को मिलता है कानपुर सेंट्रल दिखा रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। कानपुर सेंट्रल दिखाने के बाद नीचे आना है, और यहाँ पे देख सकते हो इटावा जंक्शन, सिकोबाद, फिरोजाबाद, टूंडला, ठीक है, हाथरस, अलीगढ़, ठीक है, खुर्जा, यहाँ पे गाजियाबाद, ठीक है, ओल्ड दिल्ली। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से चेक करोगे तो आपको यहाँ पे जीपीएस सिस्टम को भी ऑन करके रखना होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको लोकेशन प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, यहाँ से भी आप लोग जरूर चेकआउट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बस यही थी आज की वीडियो, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया कि आप लोग किस तरीके से आप लोग माई ट्रेन एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स बस यही थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और न्यू शाह, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।